खरगोन जिले में एक महिला की सिर कुचली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग का सामने आ रहा है। दरअसल मामला खरगोन जिले के बमनाला का है, जहां शौच के लिए गए एक व्यक्ति ने नाले में एक महिला की सर कुचली लाश को देखा तो ग्रामीणों सहित पुलिस को सूचित किया। घटना की खबर लगते ही पुलिस महकमा मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद शव की शिनाख्त कमलाबाई पति संतोष उम्र 40 वर्ष निवासी देशगांव जिला खंडवा के रूप में हुई, जिसके लिए विशेष एसएफएल दल खरगोन से बुलाया गया, जिसने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाने में मदद की। मृतका के परिजन का बयान लेकर लाश का पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान मृतका के भाई ने घटना को लेकर बताया कि उसकी बहन पिछले 15 दिन से अपने मायके बमनाला में रह रही थी। वही यह भी बताया कि मिथुन उसकी बहन को पहले से परेशान कर रहा था, लेकिन उसने घर पर नहीं बताया और यह हादसा हो गया। वही दूसरी ओर महिला की हत्या के बाद आरोपी प्रेमी मिथुन ने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की, जिसका उपचार भिकनगांव अस्पताल में कराया जा रहा है। बहरहाल हत्या का आरोपी मिथुन पुलिस कस्टडी में है, जिससे सघन पूछताछ के बाद घटनाक्रम का खुलासा हो पाएगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। खरगोन जिले के भिकनगांव थाना अंतर्गत बमनाला हमारी चौकी है। बमनाला गांव के बाहर एक महिला का शव मिला, जो पास में उसके बरामद वस्तुओं से ज्ञात हुआ कि वो संभवतः शौच के लिए आई थी और वहां पर किसी अज्ञात बदमाश ने उसका सिर पे पत्थर मार के और उसको जान से मारने का प्रयास किया। जब वहां पे और तलाशी ली गई तो वहां पर कुछ पॉइजनस लिक्विड भी मिला है, जहरीला पदार्थ, तो संभवतः उसको जहरीला पदार्थ पिलाने का प्रयास किया होगा, बाद में उसके द्वारा न पिया गया तो पत्थर मार दिया था। इस संबंध में हमने जो है बमनाला के ही एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और अभी हाल में पूछताछ की जा रही है और हम कुछ ही देर में जो है इस घटना का खुलासा कर देंगे। इसमें अपराध हत्या का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। क्या आरोपी ने भी जो है उसने कीटनाशक लिया है? आरोपी ने कीटनाशक लिया है ऐसा बताया गया है, बट इस संबंध में अभी डॉक्टर से एमएलसी ली जा रही है कि उसने ये सब प्लान करने के उद्देश्य से किया है या सरप्राइजली उसने किया है। सर मामला क्या लग रहा है? हाँ, वो जो संदेही है उसे पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि मेरे उससे पुराना प्रेम प्रसंग था, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी कहना अभी काफी नहीं है, क्योंकि इसमें विस्तृत विवेचना और पूछताछ के बाद ही हम बता पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।